हेलो गाइज, आज हम आपको एकेडमिक एरिया का कंप्लीट टूर देने वाले हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है और कहाँ पे कौन सी पढ़ाई होती है। जो लोग एनआईटी राउरकेला में नए आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं, माई सेल्फ गौतम कुमार मंडल फ्रॉम एनआईटी राउरकेला एंड ऑल्सो फ्रॉम आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है एकेडमिक एरिया का मैन गेट जिसके थ्रू हम लोग एकेडमिक एरिया में इंटर करते हैं। इस मैन गेट के अलावा 6 और गेट है जिसके थ्रू हम इस एकेडमिक एरिया में इंटर करेंगे। तो यहाँ पे गार्ड हमेशा रहते हैं, 24 घंटा तैनात रहते हैं। और ये रहा सामने हमारा मैन बिल्डिंग, जिसको देख के अंदर से फीलिंग आ जाती है कि हमने जो जेई के लिए प्रिपरेशन किया था इसका कुछ फल मिला है, बहुत अच्छा फल मिला है। तो चलिए नजदीक से दिखाते हैं आपको इसका साइड का एरिया। देखिए सामने जो दिख रहा है आपको वो एनसीसी ग्राउंड है, वहाँ पे जो भी कुछ इवेंट्स होती है वो इसमें भी ऑर्गेनाइज कराई जाती है। ये इसका गार्डन है, सामने दो हाथी बनाया गया है। और ये रहा हमारा मैन बिल्डिंग। इस मैन बिल्डिंग में जितने भी एकेडमिक ऑफिस है सब इसी मैन बिल्डिंग में है, और इसके साथ साथ सिविल डिपार्टमेंट एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की पढ़ाई इसी मैन बिल्डिंग में होती है। ये काफ़ी लंबा बिल्डिंग है, इसको कैमरे के एक फ्रेम में लाना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आगे चलते हैं। ये इसका गार्डन एरिया है, तो काफ़ी ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। एक एक करके आपको हर एक चीज दिखलाते हैं। ये जो आपको सामने दिख रही है ये ऑडिटोरियम का बैक साइड का हिस्सा है, इसका जो सामने से होगा वो उस साइड से है। आपको उधर ले चलते हैं। एकेडमिक एरिया में घुसने के लिए सेकेंड गेट यहाँ से है, यहाँ से भी आप एकेडमिक एरिया में एंट्री ले सकते हैं। ये कैंटीन है, एकेडमिक एरिया का कैंटीन है जहाँ पे हम लोग ब्रेक टाइम में खाने आते हैं। ये रहा हम लोग का स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर जहाँ पे पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया जाता है। अभी कोई नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं। सामने जो आपको दिख रहा है वो कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है। काफी अच्छा है। और ये एक स्टेशनरी शॉप है एकेडमिक एरिया में। और ये रहा हमारा ऑडिटोरियम सामने से, तो काफ़ी खूबसूरत है। इसका गार्डन जो सामने में लगाया गया वो भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ इधर राजेंद्र भवन एग्जीबिशन हॉल है। ये भी एक ऑडिटोरियम है। ये डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का है। ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पुराना बिल्डिंग है। एक मैकेनिकल बिल्डिंग अब नया बन चुका है, ये पुराना है। दूसरा बिल्डिंग है।
यहाँ पे कैफेटेरिया है। ये हमारा सेंट्रल वर्कशॉप है, सामने जो देख रहे हैं आप वो सेंट्रल वर्कशॉप है। तो इस जगह पे हम फिर से घूम के आएंगे, चारों बगल आपको दिखलाने के बाद हम इस जगह पे फिर से घूम के आएंगे और आपको दूसरे साइड ले चलेंगे। तो ये रहा हमारा सेंट्रल वर्कशॉप। अब आ गए हैं अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस डिपार्टमेंट के तरफ और साथ में यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी यहीं पे ही है। सामने रहा सिरामिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सिरामिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है। ये हमारा केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड साथ में फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पढ़ाई शुरू होती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और साथ में फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का पढ़ाई इसी में होता है, ये देख लीजिए। और अब आपको ले चलते हैं लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स की तरफ जहाँ पे हम लोग का क्लास चलता है। सबसे खूबसूरत पैलेस इस NIT का वही है। एकेडमी एरिया में ये एक पानी टंकी है। ये रहा हमारा लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स 1, बहुत ही खूबसूरत है ये। सबसे NIT राउरकेला का सबसे खूबसूरत जगह जो है ये यही है। मैं जब भी कभी हमको फ्री टाइम मिलता है मैं यहीं पे आके बैठता हूँ। तो आपको ये दिखाते हैं, ये इसका गार्डन एरिया है। और सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो बायोमेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है और ये इसका लॉन है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ।
एकेडमिक एरिया में प्रवेश करने का तीसरा गेट ये है। इसी तरीके से टोटल 7 गेट है एकेडमिक एरिया में प्रवेश करने का। और ये रहा लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स 2। सामने में एक बरगद का पेड़ है, इसलिए कंप्लीट व्यू नहीं दिख रहा है लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स 2 का, फिर भी जितना है वो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और अब चलते हैं मैकेनिकल साइंस बिल्डिंग की तरफ, जो नया नया बना है अभी। तो ये रहा मैकेनिकल साइंस बिल्डिंग, आप देख रहे हैं काफी बड़ा बिल्डिंग है ये। नजदीक जाके दिखाते हैं आपको। तो लिखा हुआ भी है मैकेनिकल साइंस बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग में दो डिपार्टमेंट की पढ़ाई होती है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और दूसरा इंडस्ट्रियल डिजाइन इंजीनियरिंग। तो ये दोनों डिपार्टमेंट इसी में संचालित होती है। ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को सिमेट्री में बनाया गया है, जिसका आधा भाग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है और आधा भाग इंडस्ट्रियल डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए है। तो ये बहुत दूर तक ये बिल्डिंग फैला हुआ है। तो अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग की तरफ। ये एकेडमिक एरिया का बाउंड्री है, उसके उस साइड हॉस्टल्स हैं लड़कियों का। तो गाइज अब हम पहुंचने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस बिल्डिंग के पास। ये आपको इलेक्ट्रिकल साइंस बिल्डिंग दिख रहा होगा, तो ये सामने से कुछ इस प्रकार दिख रहा है इलेक्ट्रिकल साइंस बिल्डिंग। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेशन, इस सब की पढ़ाई इसी बिल्डिंग में होती है। तो काफ़ी अच्छा बिल्डिंग है ये, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। तो ये आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। सामने में ये इसका पार्किंग एरिया है। अब आगे चलते हैं। एकेडमिक एरिया में प्रवेश करने का एक दूसरा गेट ये भी रहा, इसके थ्रू हम एकेडमिक एरिया में प्रवेश कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे आ गए हैं हम, आप देख रहे होंगे अभी भी शायद नहीं दिख रहा है, हाँ अब दिख गया। ये है एक फाइटर प्लेन जो यहाँ पे आके स्टैचू के रूप में लगाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और अब चलते हैं इस रास्ते पे। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये कंप्यूटर साइंस का पीछे का हिस्सा है, पीछे का पार्ट है। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क इधर चल रही है। और ये रहा राजेंद्र मिश्रा एग्जीबिशन हॉल, यहाँ पे एग्जीबिशन होती है। तो मैंने भी यहाँ पे बहुत सारा एग्जीबिशन लगाया है। और ये रहा फाइनल गोल्डन जुबली बिल्डिंग, जो अभी चालू नहीं है लेकिन कुछ दिन में ये बिल्डिंग चालू हो जाएगी। तो ये सबसे ऊंचा बिल्डिंग इस NIT राउरकेला का यही है, देख लीजिए। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है।
केमिकल इंजीनियरिंग का पीछे का पार्ट है, पीछे का भाग है जो आप देख रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का ये पीछे वाला हिस्सा है, साइड का हिस्सा है ये। तो गाइज हम फिर से आ गए हैं सेंट्रल वर्कशॉप के पास और यहाँ से आपको हम दूसरे एरिया में ले जाते हैं। अब हम इस एरिया में आ गए हैं जहाँ पे हमारा लाइब्रेरी है, बीजू पटनायक लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ये काफी अच्छा है। यहाँ पे हमारे दोस्त लोग हैं। और अब आपको हम ले चलते हैं इस जंगल में जहाँ पे आपको सबसे यूनिक चीज दिखेगा एनआईटी राउरकेला का। आपको अभी जंगल लग रहा है ये, लेकिन इस जंगल में ही एक यूनिक चीज बना है। है हमारे एनआईटी राउरकेला का इनोवेशन सेंटर जहाँ पे बड़ी बड़ी लैब हैं, जहाँ पे हमेशा रिसर्च वर्क चलते रहता है। यहाँ पे आकर के एक अलग ही फील आता है, इसके अंदर जाकर के लैब को देख करके एक अलग ही फील आता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्चर इसमें रिसर्च करते रहते हैं, तो सिर्फ देख करके ही दिल को खुशी मिल जाती है। और सामने एक और गेट देख रहे होंगे, तो इसके थ्रू भी आप एकेडमिक एरिया में प्रवेश कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए इस इनोवेशन सेंटर को कितना अच्छा है। इसको एकांत में बनाया गया है पूरे जंगल के बीच में। गाइस आप दूसरी ओर चलते हैं। तो गाइज इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। तो अब हम फिर से पहुंचने वाले हैं अपने मेन बिल्डिंग के सामने। मैं पहले उधर से गया था, जो आप सामने देख रहे हैं उधर से मैं निकला था, और अब इस बार मैं दूसरी तरफ से प्रवेश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा ये मेन बिल्डिंग है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं अभी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो गाइस फाइनली मेन बिल्डिंग के पास पहुंच चुके हैं। तो ठीक है गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको एनआईटी राउरकेला से जुड़ी हर एक जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।